स्पेशल सेशन होगा बैक पेन से रिलेटेड। पीठ दर्द से अनेकों लोग परेशान हैं, किसी को कमर दर्द होता है, किसी को स्लिप डिस्क हो जाता है, किसी को अपर बैक में दर्द होता है और दर्दों से इतने परेशान होते हैं काम करने भी उनको असुविधा होती है। भाई ये कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम, बैक पेन से हम कैसे छुटकारा पाएँ। जिन लोगों को कमर दर्द है उनके लिए कटी मुद्रा सबसे अच्छी है। राइट हैंड की सेकंड फिंगर और फोर फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, दोनों से अलग अलग होगी, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर अंगूठे का मध्य भाग यानी जीरो बन जाएगा। अरे देख लो, समझ लो आप, कमर दर्द में ये मुद्रा बहुत अच्छी है स्लिप डिस्क कमर दर्द के लिए। और फिर दोनों हथेली ऐसे, समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड से जीरो बन गया, राइट हैंड ये मेरा, राइट ये आपका, ये आप उल्टे बैठे हो, मैं ऐसे बैठा हूँ, ये देखिए। ये मुद्रा कम से कम आपको 45 मिनट करना है डेली। जितने लोगों को कमर दर्द है, कितने कमर दर्द वाले जरा हाथ खड़े करो। हाँ, 7-8 लोग जो भी है, अगर इसको आप नियमित 1 घंटा करेंगे नियमित, तो आपको कमर दर्द में इससे अच्छी राहत मिल जाती है, बहुत अच्छी मुद्रा। तो ये है कटी मुद्रा। एक साथ अगर नहीं कर सकते हैं तो 15-15 मिनट आप दिन में 3 बार करिए, 45 मिनट करिए, लेकिन रेगुलर करिए, इससे आपको अच्छी राहत मिलेगी। इसके अलावा इसमें उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा काम आता है। तो पंजों के बल एड़ियों पर बैठिए, पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन, जिनसे पूर्ण उष्ट्रासन नहीं होता है वो अर्ध उष्ट्रासन करें। घुटनों के बल उठ जाइए, दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून जमीन से टच, दोनों हथेलियां नितंब पर लगाएं। अब पीछे की ओर जाएं, धीरे धीरे ऊपर, जिन्हें चक्कर आते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार करें। एक बार और धीरे धीरे नीचे आए, अब क्रमबद्ध करेंगे। धीरे धीरे आप घुटनों के बल आ जाइए, फिर नितंब को सहारा दीजिए, दोनों हथेलियों का पूरा सहारा दीजिए आप। अब जाइए पीछे, धीरे धीरे ऊपर आइए। अब उष्ट्रासन करेंगे, पंजों के बल एड़ी पर बैठिए। अब दोनों हथेलियों को एड़ी पर मजबूती से जमा देंगे। इसमें कैमल पोस्चर बनता है, ऊंट की आकृति बनती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, रास्ता में ऊंट बहुत मिलेंगे आपको। अब उठिए ऊपर, गर्दन पीछे की ओर, थोड़ी देर होल्ड करिए। धीरे धीरे नीचे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखिए पहले तो आप एड़ी के बल बैठिए, घुटने जमीन से लगा दीजिए, फर्स्ट यहाँ तक पहुँचिए आप। अगर उष्ट्रासन नहीं होता है तो चंद्रासन कर सकते हैं, ऐसे बाहों को पकड़िए और ऐसे पीछे। धीरे धीरे ऊपर, कोशिश करिए एक बार और, धीरे धीरे ऊपर। अब हम उष्ट्रासन करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें, जबरदस्ती नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। उम्र का भी ध्यान रखना है आपको। यस, मजबूती से ये अकेले जमा दीजिए। अब पंजों पर वजन आएगा, हाथों पर वजन आएगा, और बॉडी को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम करेंगे कैट पोस्चर, ये भी बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें दो तरह से किया जाता है, दोनों कोहनियों को घुटने के आगे लगा दीजिए, हाथ ऐसे कर दीजिए, अब पूरे उठ जाइए। मार्जरी आसन, श्वास भरते हुए सिर पीछे,
श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाएं, पीठ को उठाएं। कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा है। एक थोड़ी देर होल्ड करें, दो, एक, दो, एक, दो। इसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं एडवांस। राइट पैर को पीछे उठाएंगे, यस, और गर्दन को राइट साइड मोड़ेंगे, देखेंगे, यस, उठाएं, धीरे धीरे आगे लाएं, एक बार और, धीरे धीरे आगे, दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर से उठाएं, धीरे धीरे आगे, एक बार और, धीरे धीरे बैठिए आराम से। ये आसन करने से बैक पेन में अच्छी राहत मिलती है। इसके अलावा सिंपल आसन भी कर सकते हैं। हाथों में लो, एक सांस भरते ऊपर, दो सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे भी अकड़न जकड़न निकल जाती है। खड़े रह के करें तो बहुत अच्छा। जो खड़े रहकर बैलेंस नहीं बना सकते तो बैठे बैठे कर सकते हैं, यस। एक खींचे हाथों को ऊपर, दे तनाव, दे 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 और दे, दो श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, दो, एक, दो, संपन्न।